पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं, वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापिस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किसने खेली है, हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है, बोले जाता है कि नहीं जाता। इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, बेशब्रती करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू 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 करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं, पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त तो हो सकते हो, इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है। इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल, किस किसने खेली है, खेली है आप लोगों ने, वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है, अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है, खाली है इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिसमें जिस दिन इसमें देवाधिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम अंदर भना गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भना गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे, कौन लात मारे। मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो, तो फिर पाली को छूकर वापिस आ छू।